तो गाइस अगर आप भी अपनी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस यूज करते हो ना, आपका हाई ट्रैफिक आ रहा है, तो आपको दो सबसे बड़े प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। पहला जो प्रॉब्लम है वो एड लिमिट का आ जाना या फिर गूगल एडसेंस अकाउंट बैन हो जाना। ये तब होता है जब आपके वेबसाइट में हाई ट्रैफिक आता है, इनवैलिड जो है क्लिक्स का रेशियो ज्यादा हो जाता है, फिर रेफरल ट्रैफिक आता है, तो यहाँ पे आपका अकाउंट में एड लिमिट आ जाता है। इसके साथ तो लोग आपके अकाउंट को पूरा बैन भी कर देते हैं। देन सेकंड प्रॉब्लम ये है ब्लैंक एड का शो करना। जब आपके वेबसाइट में लो क्वालिटी ट्रैफिक आता है, जैसे टायर 3 वाले कंट्रीज होते हैं उसमें जो है ट्रैफिक आता है, आपके वेबसाइट में एड शो ही नहीं करता, कोई विजिटर जाएगा वहां पे ब्लैंक एड शो करेगा, तो उससे क्या होता है सीपीएम बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है एंड आपका रेवेन्यू जो है वो भी बहुत कम आता है। ये दो प्रॉब्लम है गूगल एडसेंस का जिसको आप इजीली फिक्स कर सकते हो एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके जो हम खुद भी यूज करते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। सो हिस गाइस इट्स मी ओश हियर बैक विद इंटरेस्टिंग वीडियो। सो यार कैसे हो सब लोग, तेरे हिसाब से बताए मैं वेबसाइट डिजाइनिंग एसईओ एंड ब्लॉगिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आपने भी वीडियो से देख के चैनल में जरूर चेकआउट कर देना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एंड इन दिस वीडियो गाइस मैं आपको बताऊंगा मोनेटाइज मोर प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि एक एड ऑप्टिमाइजेशन प्लेटफॉर्म है जो कि आपके वेबसाइट में एड स्लॉट को ऑप्टिमाइज करता है, उसमें हायर सीपीएम वाले एड शो कराता है, इसके साथ साथ जो ब्लैंक एड का इशू है उसको फिक्स करता है एंड एड लिमिट वगैरह या फिर बैन होने के चांसेस भी नहीं रहते। तो ये सब फीचर्स के कारण आप अपने वेबसाइट में हाई ट्रैफिक ले सकते हैं एंड सिक्योरली अर्निंग कर सकते हैं, कोई बैन होने का टेंशन नहीं रहेगा। तो चलो उस पीछे मैं चलते हैं, फुल डिटेल में मोनेटाइज मोर के बारे में बताता हूँ। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स बिगिन गाइस। यहाँ पे देख सकते हो क्रोम टैब पे खुला है monetizemore.com। ओके, ये जो प्लेटफॉर्म है गूगल सर्टिफाइड एड ऑप्टिमाइजेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे देख सकते हो ये लोग जो है आपके वेबसाइट के एड को ऑप्टिमाइज करते हैं बहुत सारे टूल्स का यूज करके, एंड ये लोग 50-400% रेवेन्यू ग्रोथ जो है प्रोवाइड करते हैं। एंड ये जो है एक सर्टिफाइड पार्टनर है, मतलब इसको यूज करके आपको कोई भी इशूज आने नहीं वाला, आपका अकाउंट बैन वगैरह इशूज, एड लिमिट इशूज कोई भी आने नहीं वाला, एंड सर्टिफाइड पार्टनर है। इवन जो है ये जो है 2 times गूगल जो है इनोवेशन अवार्ड का विनर भी है। यहाँ पे आप जो है इनके गूगल सर्टिफाइड पार्टनर जो है रहता है यहाँ पे वेबसाइट, यहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो मोनेटाइज मोर यहाँ पे लिखा आ रहा है कि सर्टिफाइड पब्लिशिंग पार्टनर है, 100% सेफ टू यूज है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो ये लोग बहुत सारे टूल्स का यूज करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सीक्रेट बिहाइंड एड रेवेन्यू ग्रोथ लिखा गया है। पहला जो है AI पावर्ड हेडर बाइंडिंग वेपर्स ये लोग यूज करते हैं। इनका एक सिस्टम है पबगुरु नाम का, जो कि आपके वेबसाइट के एड के स्लॉट को ऑप्टिमाइज करता है। कैसा करता है बेसिकली ये टूल, आपके जो वेबसाइट का एड स्लॉट रहता है वहाँ पे हायर बिड वाले जो एडवर्टाइजर्स होते हैं उनके साथ लिंक करता है, इससे हायर CPM एड आपका जो है शो होता है एंड रेवेन्यू जो है उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो कैसे पबगुरु वर्क करता है, ये सब ये लोग लिखे हैं यहाँ पे। ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली मतलब ऑटोमेटेड सिस्टम रहता है एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव एड फॉर योर ऑडियंस रहता है, मतलब आपके ऑडियंस को भी कोई इशूज नहीं है उसके उनके हिसाब से जो एड शो होगा। एंड 100% ट्रांसपेरेंसी रेट, मतलब जो भी एनालिटिक वगैरह शो होगा वो 100% ट्रांसपेरेंसी रहेगा, कोई भी फेक जो है रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको दिया नहीं जाएगा। ओके, एंड इनकी मदद से आप जो है मल्टीपल साइट्स को जो है आप अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं, उनका जो है रिपोर्ट वगैरह ऑप्टिमाइजेशन वगैरह सब कुछ एक डैशबोर्ड में कर सकते हैं। एंड ये लोग एक्सेस देते हैं एक प्रीमियम एड नेटवर्क का, जैसे कुछ जो है ट्रैफिक पे आपका गूगल एडसेंस का एड शो नहीं करता, वहाँ पे क्या करते हैं ये लोग दूसरे जो है एड नेटवर्क के एड को वहाँ पे शो कराते हैं, जिससे जो आपको हैवी अर्निंग होता है, आपका जो जो है एड स्लॉट जो खाली रह जाता है उसमें दूसरे एड फिल हो जाते हैं एंड उस पर भी आपका जो है इंक्रीज होता है रेवेन्यू। ओके, एंड नेक्स्ट जो है ये लोग ट्रैफिक कॉर्न नाम का एक अवार्ड विनिंग इनवैलिड क्लिक प्रोटेक्शन सिस्टम यूज करते हैं, जो कि इनवैलिड क्लिक से आपके वेबसाइट को सेव करता है। जैसे कुछ हेटर्स होते हैं जो कि अपने जो है किसी भी वेबसाइट पे आके हमारे वेबसाइट पे आके इनवैलिड क्लिक वगैरह कर देते हैं, कुछ बॉट ट्रैफिक दे देते हैं, ऐसे जो है ट्रैफिक से ये लोग जो है प्रोटेक्ट करता है इस जो है ट्रैफिक कॉर्न नाम का सिस्टम, जो कि 2 times गूगल इनोवेशन अवार्ड विनर है। यहाँ पे गूगल ने खुद इनको जो है इनोवेशन अवार्ड प्रोवाइड किया है इस जो है ट्रैफिक प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए। ओके, देन ऐसे बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करते हैं, जैसे पबगुरु है, ट्रैफिक कॉप है, परमिशन एनालिटिक्स है, यूनिफाइड प्राइसिंग रूल है, पेज रिपोर्ट, स्मार्ट रिफ्रेश, ऐसे बहुत सारे टूल्स जो है ये मोनेटाइज मोर आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं आपके वेबसाइट के रेवेन्यू को इंक्रीज करने में। एंड ये लोग पूरा गारंटेड करते हैं 40-50 times इवन 400 times तक आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है इनका यूज करके। ओके, एंड यहाँ पे आपके पास मल्टीपल साइट्स हैं, जैसे 2-3-4 साइट है आपके पास, सभी साइट को आप एक अकाउंट में लिंक कर सकते हो, जिससे एक अकाउंट में सभी कुछ एनालिटिक दिखेगा, सभी कुछ अर्निंग रिपोर्ट वगैरह, पेआउट वगैरह सभी कुछ आप एक अकाउंट से ही उठा सकते हो, कोई भी आपको मल्टीपल अकाउंट का टेंशन नहीं है। ये लोग सभी कुछ ऑप्टिमाइजेशन मैनेजमेंट कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो आप जो है अपने कॉन्टेंट राइटिंग में, अपने जो है वेबसाइट को ग्रो करने में फोकस कर सकते हो, अर्निंग को टेंशन को आप दूर कर सकते हो, जैसे कोई एड लिमिट वगैरह, कोई अकाउंट बैन, ये सब टेंशन से आप दूर रह सकते हो, जो कि ये लोग खुद जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे।
जाएंगे एंड आप जो है वेबसाइट के ग्रोथ पे फोकस कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो इनका चार प्लान रहता है बेसिकली, स्टार्टर, प्रोफेशनल, प्रीमियम एंड एंटरप्राइज। ओके, ये जो प्लान्स रहते हैं किस हिसाब से डिसाइड होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका वेबसाइट, आपका एक वेबसाइट हो, आपका चार पाँच वेबसाइट हो, सभी वेबसाइट का मिला के टोटल रेवेन्यू जो है $1,000 होता है, तो आप जो है इनके स्टार्टर वाले प्लान पे आते हो। देन जो है प्रोफेशनल प्लान ऐसे $5,000 आपका पर मंथ जो है जनरेट होता है, एट जो है रेवेन्यू जो है जनरेट होता है, तो आप जो है ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल प्लान पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ प्रीमियम है, एंटरप्राइज है, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल पैकेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो है आपका ऑप्टिमाइजेशन, आपका जो है सपोर्ट सिस्टम, उस हिसाब से पैकेज डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। तो अभी आप कैसे मोनेटाइज मोड ज्वाइन कर सकते हो, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो होता तो, अगर आपके वेबसाइट में जो है $1,000 से ज़्यादा इनकम हो रहा है, मतलब एक वेबसाइट का नहीं, आप जितने भी वेबसाइट यूज़ करते हो उसमें गूगल एडसेंस है, उसमें $1,000 टोटल से ज़्यादा इनकम हो रहा है आपका, तो आप जो है मोनेटाइज मोड में साइन अप कर सकते हो। नीचे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आना है यहाँ पे, इस वाले पेज पे आ जाओ। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ट्राई फॉर फ्री यहाँ पे दिखाएगा, देख सकते हो गाइस ट्राई फॉर फ्री, यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको जो है सभी कुछ फिलअप करना पड़ेगा, जैसे आपका फुल नेम है, ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर है, देन वेबसाइट का URL है, देन यहाँ पे प्राइमरी इंटरेस्ट देख सकते हो, सो ये और इंटरेस्ट, यहाँ पे आप वेबसाइट मोनेटाइजेशन करना चाहते हो, ऐप मोनेटाइजेशन करना चाहते हो, ट्रैफिक प्रिवेंशन, क्लासिफिकेशन, देन एड और रिपोर्टिंग, ये सब वगैरह आप जो भी सर्विस आप चाहते हो उस हिसाब का सिलेक्ट करना है। ये लोग ऐप के लिए भी मोनेटाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, वेबसाइट के लिए भी ये लोग ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, सभी कुछ सिस्टम इनका है। ओके, जैसे यहाँ पे नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, सभी कुछ डिटेल वगैरह दे देना है, देन यहाँ पे दिखेगा मंथली रेवेन्यू। ओके, यहाँ पे मंथली रेवेन्यू जो देख सकते हो less than $1,000 है, यहाँ पे इस वाले सेक्शन को क्लिक कर देना है। अगर आपका ज्यादा है तो ज्यादा पे क्लिक करना है, जितना आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस हिसाब से क्लिक करना है, एंड लोकेटेड इंडिया यहाँ पे क्लिक करना है, देन गेट स्टार्टेड फॉर क्लिक पे इस पर क्लिक कर देना है। ओके, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे देख सकते हैं यहाँ पे घूमने लगेगा, एंड घूमते यहाँ पे थैंक यू का यहाँ पे ऑप्शन आ जाए, थैंक यू वाला पेज, एंड अभी जो है आपको वेट करना है 24 आवर, विदिन 24 आवर ये लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे ईमेल में, नंबर पे, एंड आपको कुछ रिक्वायरमेंट डिटेल्स मांगे, जैसे स्क्रीनशॉट वगैरह हो गया, ट्रैफिक का, अर्निंग का स्क्रीनशॉट वगैरह हो गया, ये सब आपको जो है देना होगा इनको। देन जो है ये आपको जो है एक डैशबोर्ड, आपका पर्सनल एक डैशबोर्ड रेडी करके देंगे, जहाँ से आप सभी कुछ मैनेज कर सकते हो। वो डैशबोर्ड कैसा दिखता है अभी दिखाता हूँ। इस तरीके का डैशबोर्ड आपको मिलेगा, डैशबोर्ड यहाँ पे पबगुरु का डैशबोर्ड रहता है, जैसे मैंने बताया था। यहाँ पे सिंपली लॉगिन करता हूँ मैं अकाउंट डिटेल्स डाल के, एंड जैसे ही आप लॉगिन करोगे अकाउंट का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे आपको सभी कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जो जो भी आपको नीड है, जो जो भी रिपोर्ट्स, डेली अर्निंग, मंथली अर्निंग, कितना पे आउट मिल रहा है, सभी कुछ यहाँ पे आपको एक ही डैशबोर्ड में मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट पेमेंट मतलब $12,000 का है यहाँ पे, एंड ये जो अकाउंट है इसमें बेसिकली हमारे एक सब्सक्राइबर का है। यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपली लाइक यहाँ पे एनालिटिक रिपोर्ट पे चलता हूँ, एनालिटिक रिपोर्ट के सेक्शन में यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि क्या क्या कहाँ से अर्निंग हो रहा है, कितना अर्निंग हो रहा है, डेली का कितना जो है डिप्रेशन है, सभी कुछ यहाँ पे पेज व्यूज वगैरह, कितना RPM चल रहा है वो भी बता देगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मल्टीपल एड नेटवर्क, जैसे वहाँ पे फीचर किया गया था कि मल्टीपल एड नेटवर्क आप कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो गूगल एड एक्सचेंज यहाँ पे पहला है, गूगल एड एक्सचेंज से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, यहाँ पे ऑब मीडिया है, देन वन टेक, ऐसे मल्टीपल यहाँ पे आपको एड नेटवर्क के ऑप्शन मिल जाते हैं, सभी कुछ आप एक में ही इंटीग्रेट कर सकते हो, तो आप सभी कुछ रेवेन्यू यहाँ पे दिखा देगा, कितना किस में कितना इंप्रेशन आया, एंड यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट साइड में यहाँ पे एनालिटिक रिपोर्ट है, एडेक्स रिपोर्ट है, एड नेटवर्क रिपोर्ट है, देन सभी कुछ यहाँ पे ऑप्शन रहता है। यहाँ पे एडवांस रिपोर्ट के सेक्शन में आप कंट्री वगैरह किस कंट्री से कितना जो है डॉलर जनरेट हुआ वो भी चेक कर सकते हो, एंड किस पेज से कितना जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ वो भी चेक कर सकते हो, तो आपको एक डिटेल में सब कुछ एनालिटिक मिल जाता है यहाँ पे। देन अगर हम जो है एड नेटवर्क रिपोर्ट में चले जाए तो यहाँ पे आपको मल्टीपल एड नेटवर्क जो जो भी आपके जो है कनेक्ट किया हुआ उन सभी एड नेटवर्क का यहाँ पे टोटल जो है बता देगा, देख सकते हो गूगल एड एक्सचेंज का और मीडिया, जैसे जितने भी जो है आपने एड नेटवर्क चूज किया हुआ उन सभी का RPM वगैरह एंड कितने डॉलर रेवेन्यू जनरेट हुआ, कब जनरेट हुआ, वो सभी कुछ यहाँ पे एक ही डैशबोर्ड में आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा बात है गाइस। आपको कहीं से भी लाइक मल्टीपल एड नेटवर्क मैनेज नहीं करना पड़ेगा, एक ही डैशबोर्ड से सब कुछ हो जाएगा। फीचर्स बहुत ज़बरदस्त हैं यहाँ पे, देखो लाइक यहाँ पे एडेक्स रिपोर्ट का बता दिया मैंने, एडेक्स रिपोर्ट लास्ट कैसे अर्निंग हो रहा देख सकते हो, पर डे लाइक अराउंड $100 का जनरेट हो रहा है। यहाँ पे जो है लाइक कन्वर्जन ECPM रेट देख सकते हो $1-2 के करीब है। इंडिया पे और कितना मिलेगा गाइस, इंडिया में इतना काफ़ी है भाई, एंड यहाँ पे देख सकते हो CTR वगैरह कितना चल रहा है, सभी कुछ आपको जो जो भी एनालिटिक्स चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद यही डैशबोर्ड पे हमको जो है ट्रैफिक कब मिलता है, ट्रैफिक को जैसे मैंने बताया वो ट्रैफिक को वाला जो बैंड करता है स्पेसिफिक इनवैलिड क्लिक वगैरह को, वो सभी यहाँ पे दिखा देता है। इसके डैशबोर्ड में चले जाएं तो आपको दिखने के लिए मिल जाएगा कि कितने पेज व्यूज, कौन कौन सा बैंड हुआ है, कहाँ पे बैंड हुआ है, कौन सा जो है डिवाइस से क्लिक आया था, ये सभी चीज़ें यहाँ पे दिखा देगा। देखो इनवैलिड क्लिक का कितना परसेंटेज रहा, देन कौन से कंट्री से ज़्यादा इनवैलिड क्लिक आ रहे हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा जो है, देन इंडिया से,
ऐसे जो इनवैलिड क्लिक्स कितने आ रहे हैं, पेज व्यूज कितने आ रहे हैं, इवन किस जगह से भी क्लिक आ रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे, मैं अगर इस मैप में चले जाऊँ तो किस जगह से भी कितने परसेंट का क्लिक आ रहा है वो सभी बता देगा। एबनॉर्मल एक्टिविटीज को जो बैंड करता है वो भी यहाँ पे दिखा देता है। तो कुछ इस तरीके का रहता है। आपको एक डिटेल्ड में सभी कुछ रिपोर्ट्स आपको एक ही डैशबोर्ड मिल जाता है, जो कि यूजर फ्रेंडली के हिसाब से एंड आप खुद जो है मैनेज कर पाओ इस हिसाब से बहुत बेस्ट है। तो इस तरीके से आप मोनेटाइज मोर एड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने वेबसाइट का रेवेन्यू को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो, 2 to 3 times इंक्रीज कर सकते हो। इसके साथ साथ सभी कुछ प्रॉब्लम जैसे एड लिमिट का प्रॉब्लम आ गया, अकाउंट बैन का प्रॉब्लम आ गया, इनबिल्ट ट्रैफिक का प्रॉब्लम आ गया, इन सभी प्रॉब्लम से सेफ रह सकते हो एंड अपने ग्रोथ पे फोकस कर सकते हो। ये लोग बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ साथ अवार्ड विनर जो है पब्लिशिंग पार्टनर भी हैं, तो आपको बिल्कुल सेफ तरीके से इनको यूज कर सकते हो। फीचर्स देख सकते हो मैंने बता दिया, सोल्यूशन वगैरह बता दिया, कंप्लीट डिटेल्स कैसे साइन अप कर सकते हो सभी कुछ मैंने बता दिया। तो होपफुली इस वीडियो से आपको मोनेटाइज मोर के बारे में एक बहुत डिटेल वे में पता चल गया होगा, कैसे आप जो है इसके जरिए अपनी वेबसाइट के ऐड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कैसे सेफ तरीके से ट्रैफिक ले सकते हो, कैसे जो है हायर अर्निंग कर सकते हो, अपने अर्निंग को डबल ट्रिपल कर सकते हो, ये सभी चीजें कर सकते हो आप मोनेटाइज मोर के जरिए। तो होपफुली आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया एक लाइक जरूर कर देना। नीचे जो है सभी कुछ लिंक्स मिल जाएगा इनका, जहां से जाकर जो है आप साइन अप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।